आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हुए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण, कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी हुई हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी उन सब का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी ढेर सारी परियोजनाएं एक साथ यहां की लोकार्पित भी हो रही हैं, नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वे महान सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए और निष्प्रयास करके वर्तमान भारतीय गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और यह हम सबका सौभाग्य है कि भारत माता के एक ऐसे सपूत जो एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन किसान के पुत्र को जब भी अवसर प्राप्त होगा वह देश के हित में कैसे कार्य करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि यह कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र गौरव को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दे गए संदेश को, किए गए उनके योगदान को सदैव स्मरण करते हुए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को, केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ा बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे किसानों का बहुत अभिनंदनीय योगदान है इसमें। और इसी स्मृति में हमारी सरकार ने यहां की गंग नहर के किनारे कावड़ का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। हम जानते हैं यहां का किसान मेहनत भी करता है, भारत की एकता अखंडता के लिए जब भी आह्वान होता है तो समर्पित भाव के साथ आगे आकर के योगदान देता है। और खेती किसानी के बाद जो समय बचता है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए आराध्य तीर्थों के लिए और सावन के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहाँ के किसानों को झूमते हुए देख करके मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो रोक लगा दिया था। हमने कहा रोकेंगे नहीं,
उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से उसको वर्षा भी करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जो बंग नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, दो दो लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं, ये कावड़ यात्रियों को ही हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहां की नजदीक की, 12 लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है, उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, आपने देखा होगा, मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से ही इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा मैं, और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से एक घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया। और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों, मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहां के हमारे सांसदगण लगातार बोलते थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी, हमारे जितने विधायकगण हैं जो यहां मंच पर बैठे हैं, संगीत सोम जी, डॉक्टर सुमेंद्र तोमर जी, जितेंद्र सिकवाई जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश खटीक जी, और नौजवान विधायक हमारे से सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, ये लगातार कहते थे कि हमारे लिए दिल्ली के लिए मेट्रो का क्या होगा। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRT के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं, और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो एक और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों, ये विकास के कार्य है, और ये गंगा नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की, उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी, और मैंने ये भी प्रस्ताव दिया है कि अगर कावड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे, उत्तराखंड सरकार का, भारत सरकार का सहयोग लेंगे। इसलिए जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की बहन बेटियों ने, माताओं ने, यहां के विद्वानों ने, यहां के हर तबके के लोगों ने देश के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है, उस योगदान के प्रति शासन भी कृतज्ञता पूर्वक अपना कार्य कर सके। और भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। यह कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना है, याद करिए, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर दिया था, लेकिन इसकी प्रगति एक प्रकार से थम सी गई थी, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कृषि मंत्री साई जी को और कृषि राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने कृषि और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अभियान प्रारंभ किया है। और अभियान, क्योंकि जब हमारे किसान को नई तकनीक मिलेगी, हमारे किसान को समय पे बीज और खाद की उपलब्धता होगी, तो वह इस धरती से केवल फसल ही नहीं, सोना पैदा करने की क्षमता रखता है। और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है तब वो इसने करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान
गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की तरफ भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए। कोई सुनने वाला नहीं था, हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहाँ के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी सरफलेस चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी उतनी चीनी उत्पादन करेंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बना करके यहाँ के ट्रैक्टर, यहाँ के ट्रक, यहाँ के वाहन ये सभी को इथेनॉल से चलाने की व्यवस्था करेंगे तो हमें खाड़ी के देशों को पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ये डीजल और पेट्रोल के नाम पे जो पैसा खाड़ी के देशों को जाता विदेशों को जाता है ये पैसा भी हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा और इस दिशा कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर इथेनॉल के नए प्लांट लगने प्रारंभ किए। खांडसारी उद्योग में आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति थी, पिछली सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर दिया लेकिन सरकार आई, हम लोगों ने गन्ना मंत्री से कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा लाइसेंस फ्री कर देते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 300 से भी खांडसारी उद्योग को लाइसेंस देकर के यहां पर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। कल हम लोग गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का हम लोगों ने कल वहां उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं कि हम सब विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। जो यहां की आपकी सोच है उस सोच के साथ हमारे सांसद हमारे विधायक हम आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आपके साथ जब खड़ी होंगी और द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग खड़े करना चाहते हैं, किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है उनको परेशानी है, किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है उन्हें परेशानी इस बात को लेकर की है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आग उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है। यही तो मोदी जी का कमाल है। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब खड़यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे और भाइयों बहनों उन्हीं लोगों को यही परेशानी है। याद करिए कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है, ये 90 रुपया कौन चट कर जाता है, ये वही चट कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर
हो हल्ला करके देश के अंदर गुमराह करके अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य जो देश को कर दिया उन्हें परेशानी हो रही है, उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है। उनकी परेशानी तब भी सामने जा रही थी जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर की समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर की समस्या उनके चंदा उगाही का एक माध्यम था। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न हो करके एक तरफ हिंदू वास्ता पर कुठाराघात करता रह करते रहे और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा उकसा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ देने का कार्य करते थे और इनके चंदा उगाही का माध्यम बनता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांव के विकास के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव की योजनाएं दी, विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आगे बढ़ाने के साथ ही जब देश की ज्वलंत समस्याओं के लिए भी उन्होंने समाधान का रास्ता निकालना प्रारंभ किया तो पहले से आशंका थी कि इन समस्याओं के समाधान से जिनके विदेशी चंदों के अब सारे माध्यम बंद होंगे वे कहीं ना कहीं षड्यंत्र करेंगे। और भाइयों बहनों, ये षड्यंत्र आप इसमें देख सकते हैं। आज वही लोग फिर से उसी भाव के साथ देखने, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे हो गया। उन्होंने तो वहां बैरियर लगा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। आज तो मेरठ का व्यक्ति भी, मेरठ का नौजवान भी, मेरठ का किसान भी अगर चाहेगा तो श्रीनगर में अपने लिए कोठी खरीद सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है, कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि, अयोध्या जाने से लोग परहेज करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं अयोध्या गया तो मुझे पत्रकार लोग यही पूछते थे, अरे आप कैसे आ गए? मैंने कहा भाई अयोध्या राम जन्मभूमि है, कहा कोर्ट ने फैसला तो नहीं किया है। हमने कहा वह भी हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। और 5 अगस्त को तो मोदी जी ने मंदिर के निर्माण का भी शिलान्यास करके, भव्य राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने का काम भी कर दिया। 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों जो वामपंथी हैं, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते रहते हैं। और आज वही लोग षड्यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं। कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई दाम 100 रुपया मेरठ में मिलना हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा, तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा। यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। और कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है। किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है, वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है, उस पर कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओज का गठन करेंगे, लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा। किसान को मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है, उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे, उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी जब उसकी समृद्धि आएगी, और ये चेहरे पर खुशहाली या उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को तो तब भी परेशानी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को यह लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे, तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 19 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया, और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे कि चुनावी सगुफा है, लेकिन ये पैसा पिछले पौने दो वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा, मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा, लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम, ये जो मंच पर बैठे हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं, उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है, और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए भारत के 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन में समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया, यह है कार्य। प्रदेश के अंदर लगातार ये कार्यक्रम ध्यान आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 6 कृषि विश्वविद्यालय है, 4 राज्य सरकार के, 1 निजी क्षेत्र का और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ माह पहले झांसी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। प्रदेश में पिछले 3.5 वर्ष के दौरान 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए। ये कृषि विज्ञान केंद्र किसान की आत्मनिर्भरता के आधार। अभी जब मैं आ रहा था, किसान भाइयों को ट्रैक्टर दिए जा रहे थे, कृषि संबंधी उपकरण वितरण किए जा रहे थे। ये किसान के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ किसान तक कैसे पहुंचे, ये उसी का हिस्सा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है, वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए शब्दों पे छोड़ रहे हैं। और अब तो वे उन्होंने एक नई शब्द भी जोड़ दी है। नई शब्द क्या जोड़ दी है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदि हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन
किसानों की कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विपन्न, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना और भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना उसके लिए यही शिरोधार्य है और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा, लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, हमारी कोई बात होगी हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बनाकर के उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। समाधान संवाद से होगा, संघर्ष से नहीं। और समाधान के इस रास्ते के लिए ही किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मुझे आप बहुत प्रसन्नता है, एक अच्छी दिशा में कृषि और कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में केंद्रीय पुस्तकालय भवन के साथ साथ कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को यहां पर लोकार्पित किया। मुझे बताया गया कि यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र नए जोड़े गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों का बेहतर समन्वय हो, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ जुड़े और हर कृषि विज्ञान केंद्र एक एक किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। इसके लिए अभी से कार्य करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी गठन किया है। आने वाले समय में 10,000 कृषि उत्पादन संगठन, कृषि किसान उत्पादक संगठन गठित होने हैं। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, ये जो एफपीओज गठित होने हैं, ये एफपीओज बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में। और मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी, कोई कोताही नहीं। इसके लिए तो आपके सांसद विधायक बराबर आकर के मुझसे लड़ते रहते हैं, लखनऊ में आकर के लगातार आते हैं, लेकिन साथ साथ यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है, तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी, अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसके राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकलनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें, कहीं भी किसी को, किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए। और यह अभियान पूरी मजबूती के साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहां पर कृषि संबंधी केंद्र और प्रदेश सरकार के अनेक योजनाओं का लाभ किसान बंधुओं को मिल रहा है। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहां पर लगी है, आपने देखा होगा, इस प्रदर्शनी को आप जरूर देखेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार से कि कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ किसानों को कैसे दिया जा सकता है, इसके साथ आप जुड़ेंगे।
एफपीओज के गठन की प्रक्रिया को हर विकास खंड के अंदर अगर बना सके एक एक दो दो बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। विकास भी होगा, सुरक्षा भी देंगे और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा आपको कहीं हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग आए हैं और यही हमारे लिए अभिष्ट होगा जब अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर प्रयास किया है। तो भाइयों बहनों, देश के चेहरे की खुशहाली होगी, देश की समृद्धि का आधार बनेगा। उसी समृद्धि का आधार बनाने के लिए आज मैं एक बार फिर से जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं यहां पर लोकार्पित की जा रही है, इसमें विकास की योजनाएं भी हैं, पुलिस विभाग से जुड़ी भी हैं, सड़क की भी हैं, कृषि संबंधी भी हैं और ढेर सारी अन्य परियोजनाएं जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने दी है, उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए भी और मेरठ की जनता को उन सभी योजनाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं अपने सभी माननीय सांसद विधायकों को और यहाँ की जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर।